नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों को स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग, लो जो होगी 72 आवर्स के लिए। आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, उनका एक्शन क्या रहेगा, यूनिवर्स का गाइडेंस। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप कैंसर हो यानी कर्क राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा, ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। देख लेते हैं कैंसर यानी कर्क राशि, आपकी पर्सन की करेंट फीलिंग्स क्या होगी इन 72 घंटे में। क्वीन ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स, एट ऑफ सोर्ड्स। आप जिनके साथ रिश्ते में हो कैंसर, मुझे लगता है इन दिनों आप लोगों की बात नहीं हो रहा है। ये बंदा अपना इमोशन हाइड कर रहा है, बंदा या बंदी जो भी है, या फिर आप उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हो तो ये आपको इग्नोर कर रहा है। लेकिन आप चिंता मत करो, ये पर्सन आपसे कांटेक्ट जरूर करेगा। ये कम्युनिकेशन करना चाहते हैं आपके साथ, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, बातों को क्लियर करना चाहते हैं। या तो आपने अपना इमोशन छुपा के रखा है, या फिर ये तो ये चाहते हैं कि रिश्ते में बात करके सारी चीज़ों को क्लियर कर लिया जाए, जो भी परेशानी है उसे ख़त्म किया जाए, जो सही गलत जो भी बोलना है बोल के चीज़ों को सही किया जाए। ये बहुत सारा कम्युनिकेशन चाहते हैं। देख लेते हैं आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, आप तो इंतज़ार कर रहे हो कि आपके पर्सन की तरफ से कब कोई कम्युनिकेशन आए, ऐसा आप करोगे इन 72 घंटे में। देख लेते हैं किंग ऑफ कप्स, आप भी अपना इमोशन छुपा के रखे हुए हो। इधर किंग ऑफ कप्स, देखो किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स दोनों ही अपना इमोशन छुपा के बैठा हुआ है। दोनों ही चाहते हैं कि ये मेरे से कॉन्टैक्ट करे, और वो चाहते हैं कि ये आप उनसे कांटेक्ट करो, और कभी ये चाहते हैं कि वो आपसे कांटेक्ट करे। डेथ के कार्ड, ये परेशानी को ख़त्म करने का इंतज़ार कर रहा है। आप जो हो कैंसर, आप परेशानी को ख़त्म करने का इंतज़ार कर रहे हो। आपको लग रहा है कि इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा परेशानी है, इस रिश्ते की परेशानी को ख़त्म करना चाहिए और रिश्ते में एक नई शुरुआत होनी चाहिए। लेकिन उनकी तरफ से आपको कोई भी क्लू नहीं मिल रहा है, इसकी वजह से आप स्टक हो, रुके हुए हो और आप अपनी इमोशन को आप हाइड कर रहे हो। इधर आप हाइड कर रहे हो, इधर वो हाइड कर रहा है। इधर आप चाहते हो कि उनकी तरफ से कोई एक्शन आए क्योंकि आप इंतज़ार कर रहे हो, इधर वो चाहते हैं कि आप अपना इमोशन को हाइड ना करें और हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करें। हो सकता है उनके पास और भी ऑप्शन हो या फिर आपके पास, लेकिन कोई भी आप ना, आप ना आपके पर्सन कोई भी किसी दूसरे ऑप्शन को देख नहीं रहे हो। ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है, दोनों में ही प्यार है। आप दोनों को पता भी है कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। जिसका भी एनर्जी आ रहा है, कोई एरीज हो सकता है, एरीज, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, कोई कैंसर हो सकता है, स्कॉर्पियो हो सकता है। देख लेते हैं आपकी पर्सन की एक्शन क्या रहेगा। द फूल के कार्ड, कैसे हैं सब, मतलब प्यार भी है और बात भी नहीं कर रहा है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स,
ऑफ वॉन्ट्स। देखो ब्रांड न्यू बिगिनिंग तो चाहते हैं, ये एक्शन लेंगे, लेकिन इंतज़ार कर रहा है कि आपके तरफ से क्या एक्शन आए, इसका इंतजार, जैसे कि आप कर रहे हो ये भी इंतज़ार कर रहा है। ये दिमाग से खेल रहे हैं अभी, दिल से नहीं, अब ये पूरी तरीके से दिमाग से खेल रहा है बंदा। अगर आप इनको कोई भी क्लू ना देते हो तो ये एक्शन नहीं लेगा, ये सोच रहा है कि जब आपसे कोई क्लू मिलेगा तभी एक्शन लेंगे। लेकिन देखो करंटली ये कितनी आपसे बात करने के बारे में सोच रहा है, आपसे हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेट करने के बारे में सोच रहा है, लेकिन आपकी तरफ से मुझे लगता है इतना ज़्यादा आप अपना इमोशन हाइड कर रहे हो, इसकी वजह से ये परेशान है। ये ब्रांड न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, आपके साथ रिस्क लेना चाहते हैं, बिना किसी रोक टोक के, किसी परेशानी के बगैर रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहते हैं, जीरो से शुरू करना चाहते हैं। लेकिन इसके लिए आपके तरफ से भी तो कोई इनिशिएटिव दिखानी पड़ेगी, जैसा कि ये सोच रहे। जब तक आप अपने तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं दिखाओगे तब तक ये खुद को रोक के रखेंगे, बहुत इच्छा होने के बाद भी ये आपसे कम्युनिकेट नहीं करेगा क्योंकि ये इंतज़ार कर रहा है। कभी कभी इनको लगता है कि आपके लाइफ में कोई और है और आपको भी लग रहा है कि उनके लाइफ में कोई और है, लेकिन असल में जो है आप दोनों की ईगो बहुत ज़्यादा है। दोनों ही रिश्ते में अपने अपने जगह अरे हुए हो, जिसका भी एनर्जी आ रहा है, इतने अरे रहने से रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाएगा भाई। किसी को तो थोड़ा आगे बढ़ के हाथ बढ़ाना पड़ेगा तभी रिश्ता आगे बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ आप भी अपने किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में हो, कैंसर वो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में है, हम किसी से कम नहीं, इस तरीके का सोच लेके चल रहे हो आप दोनों के दोनों की वो आए पहले आप, पहले आप, करते करते आप लोगों का बग जा रहा है। अभी हम देखेंगे यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। देखो टेम्परेंस बैलेंस, अभी मैंने कहा ना कि दोनों को ही थोड़ा थोड़ा हाथ आगे करना पड़ेगा। किंग ऑफ कप्स जजमेंट, अगर आप लोग दोनों के दोनों रिश्ते में सेम बैलेंस ला के चलते हो तो ये रिकॉन्सिलेशन जरूर होगा, रिकॉन्सिलेशन होना ही होना है, लेकिन इसके लिए दोनों को ही अपने गुस्से पर काम करना पड़ेगा, रिश्ते पे बैलेंस करनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा अगर आप इमोशन को कंट्रोल करके दोनों के दोनों बैठे रहोगे तो आप लोग सोच रहे हो कि ये आएगा, वो सोच रहा है वो आएगा, इस तरीके से आप अपना वक्त खोटा कर रहे हो, वक्त जाया कर रहे हो। आना किसी को भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्यार है भाई, दोनों में से कोई भी आ जाए। तो अगर आप रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हो, एक दूसरे से रिकॉन्सिलेशन चाहते हो, परेशानी को ख़त्म करना चाहते हो, तो अपनी इमोशन को हाइट ना करें और जैसा रिश्ते में इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए दोनों को उस तरीके का इन्वॉल्वमेंट दिया करें, तब ये रिश्ता रिकॉन्सिलेशन की तरफ जा रहा है। क्योंकि दोनों के दोनों चाहते हो रिश्ता सही हो, लेकिन दोनों के दोनों अरे हुए हो, ये आएगा वो आएगा, इस तरीके से काम नहीं चलेगा भाई, दोनों को काम करना पड़ेगा रिश्ते के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।